speak after 12th standard का sources of business finance. Sources different होते हैं business के finance लेने के, but उससे पहले हमें finance समझना पड़ेगा. जैसे कि हम देखते हैं, मैंने पहले भी समझाया है कि due to globalization business activities बढ़ गई है. मैंने जो 11th standard का SP का है videos डाले, उसमें भी मैंने समझाया था आपका वो base है. उसमें हमने बताया था कि 11th में, जैसे कि वो एसपी में बताया था कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है. ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही है. बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ने से क्या हो रहा है, सेक्रेटरी की नीड हो रही है, क्योंकि डे टू डे वर्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइनेंस की कैसे जरूरत पड़ेगी. जैसे कि अभी ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ी, तो बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ने के वजह से फाइनेंस भी जरूरत. अगर बिजनेस एक्टिविटीज छोटी भी होती ना तो भी फाइनेंस की नीड पड़ती, क्योंकि परचेसिंग, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ये सब कहाँ से होगा. फाइनेंस मीन्स मनी. मनी सिर्फ हमें प्रॉफिट के टर्म्स में ही नहीं देखना है, बट अगर हमें अपने बिजनेस को चलाना है तो फाइनेंस की हमें नीड किसमें भी पड़ सकती है. फाइनेंस की नीड हमें डे टू डे ऑपरेशन में भी पड़ सकती है, जैसे कि हमें प्रोडक्शन में पड़ सकती है, उसके अलावा परचेसिंग में पड़ सकती है, परचेसिंग के अलावा मार्केटिंग में पड़ सकती है. तो सब में हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये फाइनेंस जो है ना, बैकबोन है कंपनीज का, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है. फाइनेंस के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है. क्योंकि हम देखें सिंपल लाइफ में, एग्जांपल ले लें, घर की हमें कोई चीज़ चाहिए रहती है मम्मी को, तो मम्मी को पैसे लेके जाना पड़ते हैं ना. मम्मी को छोड़ो, घर पे आपको ही किसी को, आपको ही कोई चीज़ चाहिए रहती है. सपोज स्टूडेंट्स को किसी कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, कंपास चाहिए, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. तो बिजनेस फाइनेंस को और बिजनेस कंपनी को इतना बड़ा बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस की नीड नहीं पड़ेगी. तो उसके लिए हमें देखना है कि कंपनी को फाइनेंस कैसे अरेंज करना है जो उसकी नीड्स फुलफिल कर सके, उसकी बिजनेस की नीड्स फुलफिल कर सके. बट ये फाइनेंस लेने का तरीका भी अलग अलग होता है. वो फाइनेंस अलग अलग, मतलब सोर्सेज से, अलग अलग जगहों से लिया जाता है. सोर्सेज मतलब जगहों से लिया जाता है. वो जगह कैसे डिसाइड करेगी कंपनी की किस जगह से लिया जाए, वो जगह डिपेंड होती है पर्पस पे, साइज पे और पीरियड पे. कि हमारा डिपेंड होता है पर्पस क्या है, हमें कौन से पर्पस के लिए फाइनेंस चाहिए. अगर हमें लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चाहिए तो मैं कौन सा फाइनेंस लूँ अपने कंपनी के लिए जो हमारे कंपनी के लिए सूटेबल रहेगा. हमें वो साइज कितना, उसका साइज होना चाहिए कितना, हमारा उसका ईयर्स होना चाहिए और उसका कितना पीरियड होना चाहिए, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, कितना पीरियड होना चाहिए. क्लियर, कितना भी डिपेंड अपॉन पर्पस, साइज एंड पीरियड. रिक्वायरमेंट कंपनी की जो होती है ना, रिक्वायरमेंट वो डिपेंड होती है पर्पस पे, साइज पे और पीरियड पे. क्योंकि कंपनी की नीड कितनी है फाइनेंस की, वो उसको ही पता है कि कौन से सोर्स से लेना है. अभी ये दो सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स. अभी इंटरनल सोर्स मतलब क्या और एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या. इंटरनल सोर्स मतलब जो कंपनी अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से लेती है उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स. बट एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या, जो कंपनी दूसरे लोगों से लेती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स. इट मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट मीन्स आउट ऑफ द, आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ इट विल बी क्लियर थ्रू दिस चार्ट. लेट मी क्लियर दिस. सी, इंटरनल सोर्स मतलब क्या, जैसे कि रिटेन अर्निंग. अभी आपको पता होगा रिटेन अर्निंग मीन्स क्या. अगर नहीं पता है तो मैं आपको स्टूडेंट्स सभी बता देती हूँ. देखो रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है. सपोज कंपनी को खुले 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, तो 10 सालों में कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट का सपोज वो 10% या 5% करके ही जमा करती जा रही है. तो वो जो अभी कंपनी को नीड हुआ है वो विद इन कंपनी से, इंटरनल सोर्स से लेना चाहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग मतलब वो जो 10 सालों से जमा किया हुआ पैसा कंपनी अपने प्रॉफिट से ले रही है अपने बिजनेस में, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग. प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, अपने ही इंटरनल सोर्स को फिर से यूज करना. समझा, अब
अपने जो इंटरनल सोर्स है फाइनेंस के उसको रीयूज करना, जो 10 सालों से यूज करते आई है कंपनी, मतलब अपने जो प्रोडक्ट सेल किए हैं उस पे जो प्रॉफिट कमाया है, जो प्रॉफिट सेट असाइड किया है, वो प्रॉफिट में से जो भी पैसा बचा है वो बचा हुआ पैसा बिजनेस में लगाने को बोलते हैं रिटेन अर्निंग एंड इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। हियर एक्सटर्नल सोर्स, अभी एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स में भी लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म, बट अभी एक्सटर्नल सोर्स मतलब जो बाहर के लोगों से लिया जाए, बाहर के लोग में भी हो सकते हैं शेयर होल्डर्स हो, बाहर के वो लोग में भी हो सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स हो। अभी आपका ये वाला दोनों ही कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे ये चार्ट में, हाल फिलहाल आपके ये दो कंसेप्ट क्लियर हुए स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब क्या, जो फाइनेंस कंपनी को बड़े पीरियड के लिए लिया गया है फाइनेंस कंपनी ने उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और जो कंपनी ने थोड़े ड्यूरेशन के लिए मतलब सपोज 3 या 5 साल के लिए लिया हुआ है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में दो कैटेगरीज हैं, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल मतलब जो कंपनी का अपना कैपिटल होता है, बोरोड कैपिटल मतलब कंपनी ने जो बाहर वाले लोगों से कैपिटल लेके बनाया है, बोरोड मतलब बाहर वालों से लेके कैपिटल बनाना। ओके, अभी ओन्ड कैपिटल में दो टाइप्स के हैं, शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स तो मैंने इंटरनल सोर्स में आपको बता दिया कि अगर अपनी यहाँ सपोज यहाँ पे एक भी कंपनी एक्स वाई जेड उसने 10 सालों से कुछ प्रॉफिट के 5% उसने सेट असाइड करके रखे थे, वो 5% जो सेट असाइड करके रखे थे वो अर्निंग्स इसको अभी यूज हो रही है, वो प्रॉफिट प्लग बैक कर रही है, रीयूज कर रही है बिजनेस में, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्लियर। अभी शेयर्स, शेयर्स दो टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रिफरेंस शेयर्स। अभी इक्विटी शेयर्स और प्रिफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है, इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, प्रिफरेंस शेयर्स ऑल्सो आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी क्योंकि ये ओन्ड कैपिटल में ही आ रहा है, बट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना वो परमानेंट होल्डर होते हैं, ओनर होते हैं, और ये जब भी इसके रिडीम हो जाता है मतलब इनके कुछ पीरियड होता है आफ्टर दैट पीरियड ये रिडीम हो जाते हैं, बट ये कंपनी के लाइफ टाइम के लिए चलते हैं। जब भी कंपनी ने फॉर्मेशन किया तभी इन लोगों ने बाय किए थे शेयर, जब भी कंपनी ने वाइंड अप किया तभी इन शेयर्स को दिया जाता है पैसा। बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक तो रिडीम जो मैंने बताया ये थोड़ा पहले हो जाते हैं, अगर सपोज कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है रिडीम में भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इसमें दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं बट इक्विटी शेयर्स को इतने राइट्स नहीं होते हैं, जैसे कि इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इनको फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, पहले इनको डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, बाद में इक्विटी शेयर्स को मिलता है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दिया जाता है, इसके लिए इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है बिकॉज दो दे आर ओनर्स बट इनको इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है बिकॉज ये ओनर्स हैं और इन पे इन्होंने बहुत रिस्क लिया हुआ है, बट अगर ये डिविडेंड अगर कंपनी का ज़्यादा हुआ ना प्रॉफिट तो ये डिविडेंड भी ज़्यादा कमाएंगे, कम हुआ तो कम कमाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं, मतलब रिस्क बेयरिंग है, और इनका ज़्यादा हुआ तो भी उतना, कम हुआ तो भी उतना, तो लिमिटेड रिस्क है। क्लियर। इतना शेयर्स दो टाइप के और रिटेन अर्निंग मीन्स क्या, ओन्ड कैपिटल ये हुआ ओन्ड अपना कैपिटल जो कंपनी रेस करती है मार्केट से। अभी बोरोड कैपिटल क्या होता है, दूसरे लोगों से जो कैपिटल कंपनी ने बनाया है उसको बोलते हैं बोरोड कैपिटल। उसमें फर्स्ट है डिबेंचर्स, डिबेंचर्स मतलब क्या, जो कंपनी ये डिबेंचर होल्डर्स है ना क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, ये क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जो
थोड़े पीरियड के लिए, जब सपोज 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 8 साल के लिए डिबेंचर्स कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को दिए, ये क्रेडिटर्स होते हैं, इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपको हम सम एंड सो अमाउंट आपको इतने टाइम के बाद हम दे देंगे विथ सम एंड सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं। एंड बॉन्ड्स, बॉन्ड्स वो देते हैं कोई भी गवर्नमेंट या तो कोई भी बिजनेस फॉर्म बॉन्ड्स किसी भी कंपनी को दे सकता है। बॉन्ड्स भी डिबेंचर होल्डर्स की तरह रहता है, बट बॉन्ड्स में क्या इंटरेस्ट मिलता है और सिक्योरिटीज मिलती है, और ये कंपनीज देती है और गवर्नमेंट देती है, और ये डिबेंचर होल्डर इंडिविजुअल ले सकता है, इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, और ये कंपनी और गवर्नमेंट देती है बॉन्ड्स, इस दोनों में ये डिफरेंस है। लोन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन रहते हैं जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट IDBI बैंक्स के इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक्स CL हो गया, IDBI बैंक का लोन फ्रॉम बैंक सॉरी, बट लोन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कंपनीज को लोन देते हैं। वो इंस्टीट्यूशन मेन उनका काम ही लोन्स एंड फाइनेंस का होता है, तो वो बोरोड कैपिटल के अंदर आता है, क्योंकि ये कंपनीज को लोन लेते देते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो उसको बोलते हैं लोन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। लोन्स फ्रॉम बैंक्स, बैंक्स का मेन काम है लेंडिंग एंड बोरोइंग, तो लेंड करती है लोन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स। क्लियर? अभी बोरोड कैपिटल में डिबेंचर होल्डर्स भी क्रेडिटर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स भी क्रेडिटर्स हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? दोनों में डिफरेंस है कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं ना वो इंडिविजुअल होते हैं, बट जो बॉन्ड होते हैं ना वो फॉर्म्स इशू करती है या तो गवर्नमेंट इशू करती है, और लोन भी जो है ना वो इंस्टीट्यूशन इशू करती है, और जो ये लोन फ्रॉम बैंक है ना ये भी बैंक्स देती है। इन दोनों के बाकी फीचर्स सेम है, दोनों को इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट ऑफ मिलता है, दोनों को फिक्स्ड ईयर्स के बाद मैच्योर किया जाता है। क्लियर? ओन्ड कैपिटल क्लियर है, ओके। बोरोड कैपिटल क्लियर। अभी शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या? पब्लिक से हमने थोड़े टाइम के लिए डिपॉजिट कलेक्ट किए हैं, सपोज कंपनी ने गुडविल है कंपनी की मार्केट में, कंपनी ने एक सो एंड सो कुछ भी ऐसी कंपनी का नाम है, उसने कुछ लेटर लिख के कुछ आर्टिकल लिख के टाइप किया कि हमें इतने इतने पैसे की ज़रूरत है, कौन सी पब्लिक इस कंपनी में डिपॉजिट्स करना चाहेगी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आपको इतना सम ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इतने टाइम के लिए मिलेगा, तो वो पब्लिक डिपॉजिट हुआ। बैंक भी क्रेडिट दे सकती है, यहाँ पे बैंक से हम लोन ले रहे थे, यहाँ पे लोन क्यों बोल रहे हैं बैंक से और यहाँ पे क्रेडिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है लोन फ्रॉम बैंक, क्योंकि ये ज़्यादा सालों के लिए चलेगा तो ये लोन हो गया, और ये क्रेडिट क्रेडिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये थोड़े पीरियड के बाद इनको क्रेडिट बैंक को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि मेन हेडिंग ही है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। क्लियर? उसके बाद ट्रेड क्रेडिट। अभी कंपनी को बिजनेस एक्टिविटी के लिए कुछ क्रेडिट चाहिए तो ट्रेड क्रेडिट भी ले सकती है। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, अभी कंपनी के जो डायरेक्टर्स रहते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लोन उनसे भी ले सकती है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, उनको फिक्स सम ऑफ इंटरेस्ट देके। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है तो ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर्स खुद ही एडवांस दे देंगे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट भी अगर किसी कंपनी की गुडविल अच्छी है तो गवर्नमेंट भी असिस्टेंस दे सकती है, कुछ सम ऑफ लोन दे सकती है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर दिस चार्ट? लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म जो ज़्यादा सालों के लिए रहता है, शॉर्ट टर्म जो थोड़े सालों के लिए रहता है, ओन्ड जो खुद का रहता है, बोरोड जो दूसरों से लेते हैं, शेयर्स जो इक्विटी और प्रेफरेंस होते हैं ये ओनर्स होते हैं, ये भी होते हैं ओनर्स हैं बट इनको प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, और ये सब बोरोड्स हैं, ये इंडिविजुअल ले सकते हैं, और ये फर्म्स देती है या तो गवर्नमेंट देती है, ये इंस्टीट्यूशन देते हैं, और ये बैंक देते हैं लोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, ये बैंक से लेते हैं, और ये ट्रेड क्रेडिट से लेते हैं। उसके बाद लोन डायरेक्टर से भी ले सकते हैं, एडवांसेस कस्टमर्स से भी ले सकते हैं, और गवर्नमेंट भी असिस्टेंस उनको दे सकती है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ओके,
वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, 3 ईयर 5 ईयर्स के लिए, और ये आफ्टर 5 to 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स। क्लियर, ये सोर्सेस है, इसमें कुछ इंटरनल्स भी हैं, कुछ एक्सटर्नल्स भी हैं, कुछ डिपेंड ऑन पर्पस है, कुछ डिपेंड ऑन साइज है, वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आप क्लियर होते जाओगे। क्लियर, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट है मैं उसका जवाब दूंगी, आप मेरे को मेल करो और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।